है एंट्रेंस पे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं गणेश जी। गणेश जी को भी कितना प्यारा सजा रखा है। चलिए अब आगे चलते हैं। सुंदर सजाया हुआ है कान्हा जी का यहाँ पर। ये डोरी है झूलने को झुलाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं आप लोगों के पास। मैं हूँ स्वाति। वेलकम टू माय चैनल स्वाति मजूमदार ब्लॉग। आज का ब्लॉग है मेरा जन्माष्टमी के ऊपर। हमें किसी ने इनवाइट किया है जन्माष्टमी से, तो हम आपको डेकोरेशन दिखाना चाहते हैं प्लस जो जो अंदर है हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो आइए लेट्स गो। फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्टिंग है। हम ये गली के बाहर खड़े हैं। पूरी गली को देखिए कितना प्यारा सजाया हुआ है। ये देखिए सामने गणेश जी की मूर्ति है। वहां पर जनरेटर चल रहा है इसलिए मेरी आवाज नहीं आएगी आपको। कान्हा जी का ये डोरी है झूलने को झुलाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, ये इनके घर पे मैं आई हूँ। इनके घर पे नंदोत्सव हो रहा है अभी, जन्माष्टमी का फंक्शन हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर इन्होंने सजाया है घर को। गोपाल को भी पालकी में रखा हुआ है। यहाँ छत पे आ चुके हैं, बर्थडे पार्टी हो रही है कान्हा जी की। फ्रेंड्स हम लोग बैठ चुके हैं टेबल के ऊपर प्रसाद खाने के लिए। भगवान का बर्थडे पार्टी वाला प्रसाद है ये। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या दिया जाता है प्रसाद में। फ्रेंड्स ये देखिए पेपर बिछा चुके हैं। मेरे टेबल के ऊपर ही झूमर लगा हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है ये दोनों झूमर ही, कितने सुंदर है। और देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन की है। फ्रेंड्स ये टेरेस पे है, छत पे उन्होंने सजाया है और देखिए कितना सुंदर सजाया है। अब हमारी प्लेट्स भी आ चुकी है।
ग्लास भी दे रहे हैं हमें, ग्लास, टिश्यू पेपर, प्लेट। ये फ्रेंड्स हमें पेड़ा टाइप है, ये ताल से बनता है ये पेठा, और ये तो भाजा पीठे बोलते हैं। ये तो मालपुआ की तरह टेस्ट होता है इसका, आप YouTube पे सर्च करके देखना भाजा पीठे कैसे बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। बहुत टेस्टी है ये। खिचड़ी आ चुकी है फ्रेंड्स, देखो हमारी खिचड़ी दिखने में भी टेस्टी लग रही है। ये दिखने में जब इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में और कितनी अच्छी होगी। ये आलू की सब्जी आ चुकी है, इसको आलू दम बोलते हैं बंगाली में। खिचड़ी भी बहुत टेस्टी है। ये हमने चटनी दी है, पाइनएप्पल की चटनी है ये। चटनी के साथ पापड़ देते हैं यहाँ पे, रूम से तो कहीं पर भी जाओ। और ये हमें खीर और रसगुल्ला देकर गए हैं। तो फ्रेंड्स यही लास्ट है, अब खाने के बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ कान्हा नंदन के पास दोबारा, उनको दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाना, क्योंकि जो भी मैं इससे जो भी विलेज से रिलेटेड मैं आपको डालूँ ब्लॉग तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।